वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल हम लोगों ने पढ़ा था नाउन, तो कल हम लोगों ने नाउन पढ़ा था, तो नाउन में क्या क्या पढ़ा था देखिए। कल हम लोगों ने नाउन को ये पढ़ा था कि व्हाई टू स्टडी फर्स्ट, व्हाई टू स्टडी फर्स्ट, नाउन पहले क्यों पढ़ते हैं, और दूसरा नाउन की क्या पढ़ी गई थी, डेफिनेशन पढ़ी गई थी। अच्छा ठीक है, दो चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी, ठीक। और ये बता दिया गया था कि नाउन में हमें क्या क्या पढ़ना है। पढ़ना है नाउन के काइंड्स, नाउन में नंबर्स, नाउन के जेंडर्स, और नाउन के केसेज, और कुछ मिसलेनियस चीज़ें नाउन में। मिसलेनियस जैसे सुपरफ्लुअस हो गया, स्लैंग यूज हो गया नाउन का, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी, सुपरफ्लुअस, स्लैंग, ये सारी चीज़ें। तो हम इतना तो खत्म कर चुके हैं, आज हम लोग शुरू करते हैं किसकी बात करते हैं, नाउन के काइंड्स की। फिर बैंक और एसएससी वालों को तो हमें जेंडर्स पढ़ाना नहीं है फिलहाल, एक दो बातें बता के छोड़ देंगे, कोई क्वेश्चन नहीं आता जेंडर्स का। अब आएगा केसेज और उसके बाद मिसलेनियस, ये चीजें पढ़ानी है। तो ठीक है, ज्यादा समय हम लोग ना वेस्ट करें, पढ़ाई है, क्लास है, तो यहाँ एक एक मिनट का महत्व है, तो इधर उधर की बातें करने में, जोक्स सुनाने में, शेरो शायरी में समय ना बर्बाद किया जाए। सीधे आते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, और हमारा आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। तो नाउन के प्रकार में हम लोगों ने बचपन से ही पांच तरह के नाउन पढ़ रखे हैं, तो पहले वो ट्रेडिशनल बेस्ड पर जो नाउन के प्रकार पढ़े हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो पांच तरह के नाउन पढ़ रखे हैं उनमें एक था प्रॉपर नाउन, और दूसरा है कॉमन नाउन, और तीसरा है कलेक्टिव नाउन, और चौथा है मटेरियल नाउन, और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हिंदी नाम बताने की जरूरत है? चलिए बता देते हैं। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर नाउन क्या होगा? इंडिविजुअल, ये क्या होता है? इंडिविजुअल, नेम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल पर्सन प्लेस आर थिंग, ये क्या होगा प्रॉपर नाउन? नेम ऑफ इंडिविजुअल पर्सन प्लेस आर थिंग। तो कल तो बात हुई थी ना, नाउन किसका नाम है, नाउन किसका नाम होता है, पहले ही बता दिया गया था कि नाउन इज नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। तो कल जब डेफिनेशन में ये चीज आ गई, तो अब ये जो हम प्रकार में लेते रहेंगे सब में वो आता रहेगा ना, पर्सन प्लेस थिंग, पर्सन प्लेस थिंग। तो अब ये प्रॉपर नाउन क्या है? इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्लेस, इंडिविजुअल थिंग। और कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन होता है इन जनरल। क्या होगा ये? कॉमन का मतलब क्या होगा? इन जनरल या कॉमन ऑफ इट्स टाइप, अपने टाइप के जितने भी कॉमन होंगे उन सब का क्या? पर्सन, कॉमन में पर्सन, कॉमन में प्लेस और कॉमन में थिंग। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है उनका इकट्ठा हो जाना, समूह का मतलब पर्सन का, प्लेसेस का, थिंग्स का इकट्ठा होना।
तो पर्सन का इकट्ठा होना क्या होगा, जैसे ढेर सारे पर्सन एक जगह पे इकट्ठा हो, उन जगहों के नाम। तो पर्सन्स के इकट्ठा होने में कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा परिवार, तो हमारे परिवार में एक पर्सन नहीं होता ना, परिवार किसको कहते हैं, एटलीस्ट मियाँ बीवी तो होंगे ही होंगे और बच्चे होंगे, अब माँ बाप भी उसमें होंगे, तो सबको शामिल करके माँ बाप भाई बहन बच्चे, तो ये सबको मिला करके परिवार कहा जाता है। क्लास, क्लास में क्या होता है, टीचर होगा और एक स्टूडेंट नहीं, चार छह जैसे स्टूडेंट, 150, आजकल तो भाई 100 100, 150, 1000 1000 स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। और टीम, आर्मी, सेना, पार्लियामेंट, ये सब क्या हो जाएंगे, कलेक्टिव हो जाएंगे। प्लेस कलेक्टिव में क्या हो जाएगा, जैसे गांव का, जैसे गांवों में होता है तो घरों का झुंड होता है, एक गांव में 10 12 घर, 25 घर, बड़ा गांव हुआ तो 80 90 100 घर तक होते हैं, तो गांव में घरों के उस कलेक्शन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हेमलेट। थिंग, थिंग में कलेक्शन होता है, तो थिंग में कलेक्शन किसको कहेंगे, जैसे मान लो अब जब आप फूलों का एक गुलदस्ता बनाते हैं, तो फूलों का गुलदस्ता बनाते हैं तो उसमें ढेर सारे फूल लगाते हैं, तो अब एक एक उसमें किसी चीज में ढेर सारे फूल आप एक साथ लगा दिए तो क्या हो जाता है, फूलों का गुलदस्ता। जैसे चाबी का गुच्छा होता है, तो एक गुच्छे में पता लगा 5 6 चाबियां, बड़ा घर है, ज्यादा घर उसमें दरवाजे हैं, तिजोरी वजोरी कुछ ज्यादा है, मालदार पार्टी है, तो वहाँ जो गुच्छा होता है चाबियों का उसमें 20ों चाबियां होती हैं, तो इसी तरह से तमाम चीजें हैं, तो थिंग्स का भी कलेक्शन होता है, ठीक है। ये हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। और मटेरियल नाउन में क्या हो गया, कल ही डेफिनेशन में डिसाइड किया गया था, मटेरियल नाउन वो पदार्थ होता है जिससे हम किसी और वस्तु का निर्माण करते हैं। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या था, कल हम लोगों ने थिंग में दो चीजें पढ़ी थी, एक कंक्रीट होता है और एक एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो जितने भाव विचार ये सब होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो अब इन्हें जनरली तो हमने ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिया, चलिए इनका डिफरेंस देखते हैं, इन तीनों को बाद में पढ़ाएंगे और इन दोनों को पहले पढ़ाते हैं। तो पहली बात, आप नाउन के साथ हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी हम बात कर रहे हो नाउन, तो नाउन इंक्लूड कर क्या कर रहा है, पर्सन, प्लेस और थिंग। अच्छा, एक चीज मैं और आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन, पर्सन से आपका क्या तात्पर्य है। तो कुछ लोग तो पर्सन का मतलब केवल ह्यूमन समझ रहे होंगे, भैया पर्सन मतलब केवल ह्यूमन नहीं होता, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मेरे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं और ये अन्याय मैं सह नहीं पाऊंगा। पर्सन का मतलब केवल ह्यूमन नहीं, पर्सन का मतलब जितने भी लिविंग हैं, जितने भी लिविंग हैं। अब लिविंग में क्या आएगा, लिविंग में ह्यूमन आएगा, एनिमल आएंगे, बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट्स आएंगे, ये सब पर्सन हैं, क्योंकि सब में जान है, सब जीवित हैं, मतलब इनके अलावा भी जो भी जीवित हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, यहाँ पर जूलॉजी या बॉटनी नहीं लगेगी, ठीक है, आप बायोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ पर। बायो में तो हम सब के सब एनिमल हैं, बायो में तो ये सब के सब किस में आ गए, दो कैटेगरी है बायो में, प्लांट और एनिमल्स, तो एनिमल में सब आ गए, ह्यूमन भी एनिमल में आ गया, बर्ड भी और इंसेक्ट भी सब एनिमल में आ गए, तो ये बायो नहीं है, ठीक है। और जगदीश चंद्र बसु की मान ले तो प्लांट्स भी सजीव हैं, तो ऐसे नहीं, मतलब अंग्रेजी में ग्रामर में प्लांट्स जो होते हैं वो निर्जीव माने जाते हैं और एनिमल कैटेगरी में जितने आएंगे जीव जंतु वो सब पर्सन में आते हैं, तो केवल ह्यूमन को पर्सन मत समझिएगा, ये चार क्या इसके और अलावा भी हो सकते हैं, ये सब लिविंग हैं और जितने लिविंग हैं वो सब पर्सन हैं। तो अगर कहीं काउ लिखा हो, शीप लिखा हो, या बफेलो लिखा हो, लाइन लिखा हो, तो दैट इज नॉट थिंग, तो ये सब क्या है, पर्सन है, ठीक है। एक बात ये क्लियर करनी थी, मान लीजिए आपके मन में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट हो, तो पर्सन में ये सारी चीजें आती हैं, प्लेस आप जानते ही हैं,
थिंग क्या होगा? थिंग तो कल डिस्कस कर दिया गया था ना कि थिंग में मटेरियल भी आता है, नॉन मटेरियल भी आता है, कंक्रीट भी आता है, एब्स्ट्रैक्ट भी आता है, हमारे भाव विचार ये सब जो होते हैं वो सब थिंग में, एक्शन वगैरह सब थिंग में आते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात हो गई, पर्सन को क्लियर करना था, नहीं पता लगा आपके मन में कोई कंफ्यूजन रह गया तो सारा पढ़ाना बेकार हो जाए। तो जब भी नाउन की बात करेंगे, नाउन का मतलब पर्सन और प्लेस और थिंग, पर्सन में क्या क्या, आई थिंक यू नो ऑलरेडी। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की बात करें, तो प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन ऐसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, हम मन कर रहा है कि मैं ऐसे पढ़ा दूं। तो पहले दो नाउन्स की बात करूंगा, किसकी, प्रॉपर नाउन की और कॉमन नाउन की बात करूंगा। तो यहां पर हमने लिखा प्रॉपर नाउन क्या है, ठीक, ये क्या हुआ प्रॉपर नाउन क्या है, और यहां पर हमने लिखा कि कॉमन नाउन क्या है। ठीक, तो प्रॉपर नाउन क्या है बच्चा? प्रॉपर नाउन है नेम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल वही जो थोड़ी देर पहले बोला था, इंडिविजुअल नाउन, इंडिविजुअल नाउन। अब जब मैं कहूंगा इंडिविजुअल नाउन तो मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल पर्सन, इंडिविजुअल प्लेस और इंडिविजुअल थिंग। और इसमें क्या होगा, कॉमन नाउन में नेम इन जनरल, या फिर कॉमन में जब हम किसी का नाम रखते हैं, तो अब कॉमन में किसका नाम, कॉमन में थिंग का नाम, कॉमन में प्लेस का नाम और कॉमन में पर्सन का नाम। ठीक है, इतने से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे इसमें हम एक पर्सन ले लेते हैं, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक पर्सन ले लेते हैं, तो किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम, मतलब ऐसे व्यक्ति का नाम जो वो अकेला हो, पूरी दुनिया में के नाम की बात नहीं हो रही, तो कैसी, किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम ले ले। तो मान लो इंडिविजुअल पर्सन में कोई व्यक्ति है प्रवीण, ठीक, तो प्रवीण, जैसे हम कहें कि प्रवीण एक बहुत होनहार लड़का है, तो प्रवीण एक होनहार बहुत लड़का है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि तो ये जब ये सेंटेंस बोले थे तो उसमें हम क्या, दुनिया में जितने भी प्रवीण हैं सबके बारे में तो नहीं बोल रहे हैं ना, ये हो सकता है कि प्रवीण नाम के पूरे भारत में 1000 से ज्यादा नाम, फेसबुक पर या कहीं पर आप एक बार नाम सर्च करके देखिए तो प्रवीण नाम के लाइन लग जाती है, पता ही नहीं चलता कितने प्रवीण हैं। तो प्रवीण नाम के बहुत से बच्चे हो सकते हैं, लेकिन हम जब किसी सेंटेंस में प्रवीण नाम प्रयोग करेंगे तो वो किसी एक खास व्यक्ति के रेफरेंस में करेंगे। जैसे यही कह दिया जाए कि मैंने अपनी किताब प्रवीण को दे दी है, तो जब हम ये कहते हैं मैंने अपनी किताब प्रवीण को दे दी है, तो आप किसी खास प्रवीण की बात कर रहे होते हैं, सारे प्रवीणों की बात नहीं कर रहे होते हैं। तो ये जो प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन वो किसी सिंगुलर पर्सन के लिए, एक बंदे के लिए, और कोई पर्टिकुलर खास इंडिविजुअल बंदा होता है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। और इसी प्रयोग प्रवीण को हम और क्या क्या कह सकते हैं, प्रवीण अगर हमारा विद्यार्थी है, अगर हमारी क्लास में पढ़ता है, तो हम इस प्रवीण को क्या कह सकते थे, स्टूडेंट भी कह सकते थे। प्रवीण को और क्या कह सकते हैं, बॉय कह सकते हैं। और अगर थोड़ा सा उच्चारण में चेंज कर दे और ये पंजाब हरियाणा की बात हो तो प्रवीण, तो प्रवीण कौर भी हो सकता है, तो वो लड़की भी हो सकती है, बॉय के साथ गर्ल भी लग जाता। अगर प्रवीण कोई व्यापारी है तो ये क्या हो सकता है, प्रवीण मर्चेंट भी हो सकता है, एंड सो ऑन एटसेट्रा। तो ये जो स्टूडेंट अगर हम कहे होते तो स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ, एक क्लास में बैठे जितने बच्चे होते हैं, ठीक है, एक क्लास में क्या, पूरी दुनिया में नर्सरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक, कोई भी व्यक्ति, कोई भी बंदा जो पढ़ने का काम कर रहा है, जो अभी पढ़ाई कर रहा है, जो अभी अध्ययन कर रहा है, अगर मैं अभी अध्ययन करना शुरू कर दूं तो मैं शिक्षक नहीं, उस समय क्या हो जाऊंगा, स्टूडेंट हो जाऊंगा। जब मैं पढ़ा रहा हूं तब मैं क्या हो जाता हूं, शिक्षक हो जाता हूं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो पढ़ते हैं तो क्या है, स्टूडेंट हैं, और आप लोग ट्यूशन देते होंगे तो जो लोग ट्यूशन देते हैं जब पढ़ाने जाते हैं तो सर या मैम हो जाएंगे, और जब पढ़ने बैठते हैं तब स्टूडेंट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये क्या हो गया, कॉमन नाम हो गया, किसका,
पूरी दुनिया में जितने लोग पढ़ने का काम करते हैं, पढ़ रहे हैं, वो सब क्या हैं? स्टूडेंट हो गए, बॉय कॉमन हो गया, अच्छा मर्चेंट, जितने भी व्यापार व्यापार में लगे हुए लोग हैं उन सबको कॉमन एक जैसा नाम क्या दे दिया जाता है? वो व्यापारी हो गए। जैसे मान लो रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है किसकी? रामू की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, मनोहर की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, और सोहन की रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, और कोई विक्रम है उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है। अब सब रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान है, तो इन सबको क्या कहा जाएगा? ये शॉपकीपर होगा, ये भी शॉपकीपर होगा, ये भी शॉपकीपर होगा, ये भी सब लोगों में एक कॉमन चीज पाई जा रही है। क्यों? ये भी शॉपकीपर, ये भी दुकानदार, ये भी दुकानदार, ये भी दुकानदार, ये भी दुकान, तो कॉमन में इन सब को, रामू को, मनोहर को, सोहन को, विक्रम को कॉमन में क्या कहेंगे? कॉमन में इन सबको हमने कहा दुकानदार, यानी कि ये क्या हो गया? शॉपकीपर। शॉपकीपर, अब ये शॉपकीपर शब्द क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा, क्योंकि इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके लिए, इनके व्यवसाय को, इनके धंधे को लेकर के एक नाम इन सबको दे दिया गया। तो जिनके जो इनका व्यावसायिक नाम होता है, तो उस व्यावसायिक नाम को कॉमन नाउन कह देते हैं, सब कॉमन नाउन हो गए। ठीक है, जैसे जितने लोग पढ़ा रहे हैं आपको, मान लीजिए अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर हूं, मान लीजिए कल को सौरभ सर रजनी पढ़ाएंगे तो सौरभ सर क्या होंगे? वो भी टीचर होंगे। मान लीजिए लालचंद सर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे तो लालचंद सर क्या हो जाएंगे? वो भी टीचर हैं। तो जब ये सब लोग, मैं जो काम कर रहा हूँ वही काम और लोग जो लोग करेंगे, तो पढ़ाने का काम जितने भी लोग करेंगे वो सब क्या हो गए? टीचर हो गए। आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग क्या हैं? स्टूडेंट हैं। तो आप समझ में गए होंगे कि प्रॉपर में और कॉमन में क्या अंतर है। चलिए, ये तो पर्सन की बात हो गई। पर्सन के अलावा हम और बात कर रहे हैं, क्या था इसमें? प्लेस। प्लेस जैसे हमने लिख दिया हिमालय, हिमालय, तो हिमालय दुनिया में 10-20 हिमालय तो है नहीं, यहां तक कि 2-3 हिमालय भी नहीं है, एक हिमालय है, पर्वत श्रेणियों का एक नाम, एक पर्वत श्रेणी का नाम है, ये पर्वत श्रृंखला, गलत बोल दिया, एक पर्वत श्रृंखला का नाम है। और यहां क्या कर दिया? अगर हम यहां लिखते हैं माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, तो माउंटेन रेंज किसी एक माउंटेन रेंज का तो नाम मैंने नहीं दिया। अब देखिए, अरावली हो गया, विंध्याज हो गया, एंडीज हो गया, रॉकीज हो गया, हिमालयाज हो गया, तो ये सब क्या है? एंडीज, रॉकीज, हिमालयाज, ये सब क्या है? ये सब पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूरी दुनिया में है, अलग अलग जगहों पर हैं। तो एक कॉमन नाम, जिस जो हिमालय का नाम है, जो रॉकीज का नाम है, और एंडीज जो है, इन सबको कॉमन रूप से एक सामान्य नाम देकर इन्हें कहा जाता है माउंटेन रेंजेज। तो माउंटेन रेंजेज में बहुत सारे आ गए, हिमालयाज में केवल एक ही है। तो अब प्लेस में, जैसे मान लीजिए और कोई चीज ले लेते हैं, जैसे हमने कहा कि गंगा, तो गंगा एक नदी है, और यहाँ क्या लिखा हमने इसके लिए? रिवर। तो रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। गंगा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, और रिवर क्या हो गया? कॉमन नाउन। यहाँ लिख दे यमुना, यहाँ लिख दे रिवर। ठीक है, अच्छा और कोई चीज ले लीजिए, जैसे हम कहते हैं थार, तो थार एक रेगिस्तान का नाम है जो इंडिया में है, और अगर हम लिख देते हैं यहाँ डेजर्ट, तो डेजर्ट क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। तो दुनिया के सारे रेगिस्तानों का कॉमन नाम क्या होता है? डेजर्ट, और ये किसी एक पार्टिकुलर रेगिस्तान का नाम है। ऐसे थिंग्स में आ जाते हैं, जैसे हमने यहाँ लिखा होंडा सिटी। होंडा सिटी क्या है? एक पर्टिकुलर कार का नाम है, एक कंपनी है, और यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्या? कार। तो ये कार क्या हो गया? ये कॉमन नाउन हो गया। दुनिया में जितनी भी कारें हैं सबको चार पहिए की होंगी और थोड़ी लग्जरियस होंगी, तो उनको सबको क्या कहते हैं? कार कहते हैं। ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन है किसी कार का। थोड़े दो चार एग्जाम्पल और देते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसी को और आगे बढ़ाएं, तो जैसे हमने लिखा मान लीजिए रामायण, ये हमने लिखा रामायण। रामायण क्या है? एक महाकाव्य का नाम है, और अगर हम यहां लिख देते एपिक, या हम लिख देते बुक, तो ये क्या हो गया?
तो ये कॉमन में है भाई। एपिक तो बहुत से लिखे गए हैं, रामायण है, महाभारत है, पैराडाइज लॉस्ट है, पैराडाइज रिगेन्ड है, कामायनी है, ऐसे बहुत सारे महाकाव्य लिखे गए हैं। तो ये सारे उन महाकाव्यों का कॉमन में नाम हो गया, और ये किसी एक पार्टिकुलर किसी एक प्रॉपर का उसका नाम है काव्य का। अच्छा जैसे हम लिखे यहाँ पे इंडिया, तो इंडिया क्या है, एक देश का नाम है। दुनिया में इतने सारे देश हैं, उसमें एक पार्टिकुलर देश का नाम है इंडिया। और अगर हम कहें कोई कॉमन नाउन देने का तो क्या हो गया, कंट्री। हम अमेरिका को भी कंट्री कहेंगे, जापान को भी कंट्री कहेंगे, पाकिस्तान को भी कंट्री कहेंगे, श्रीलंका को भी कंट्री कहेंगे, इंग्लैंड को भी कंट्री कहेंगे, फ्रांस को भी कंट्री कहेंगे, रूस को भी कंट्री कहेंगे, और इंडिया को भी कंट्री कहेंगे। तो ये कंट्री तो ऐसा नाम है जो सबको कह सकते हैं, लेकिन क्या इंडिया सबको कह सकते हैं? नहीं, इंडिया किसी एक को कहेंगे, इसलिए ये प्रॉपर नाउन हुआ और ये कॉमन नाउन हुआ। मुझे लग रहा है कि अब बात आपको समझ में आ गई होगी, तो हम इसके आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह किसी शहर का ले सकते हैं, जैसे हम लिख दें यहाँ लखनऊ और यहाँ लिख दें सिटी। तो सिटी में क्या हो गया, कानपुर, लखनऊ, बनारस, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्या हो गए, सिटी हो जाएंगे। और लखनऊ क्या होगा, एक पर्टिकुलर सिटी का नाम हो गया। तो एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर क्या होता है, प्रॉपर नाउन, और इन जनरल उस तरह के सबको क्या कहते हैं, वो हो जाता है कॉमन नाउन, ठीक है। तो प्रॉपर और कॉमन में मुझे लग रहा है कि अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। तो अगला हमारा क्या था, कलेक्टिव था। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होगा, आप बताइए। कलेक्टिव नाउन होता है नेम ऑफ अ ग्रुप, नेम ऑफ अ ग्रुप, या ये कह सकते हैं कि अ कॉमन नेम गिवेन टू अ ग्रुप। तो ये क्या होगा, कलेक्शन होगा या ग्रुप होगा, ग्रुप ऑफ। अब एक बात हमेशा याद रखिए, ग्रुप ऑफ सेम कैटेगरी, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। वो जो ग्रुप होगा वो सेम कैटेगरी के लोगों का ग्रुप होगा। अब सेम कैटेगरी के नाउन का ग्रुप होगा, तो सेम कैटेगरी के नाउन में क्या आ जाएगा, सेम कैटेगरी के पर्सन, सेम कैटेगरी की थिंग्स, और सेम कैटेगरी के प्लेसेस, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए पर्सन्स में आए, सेम कैटेगरी के पर्सन्स का ग्रुप, तो ये क्या था, पर्सन, प्लेस और थिंग। तो सेम कैटेगरी के पर्सन्स का ग्रुप लेते हैं, तो पर्सन्स के ग्रुप में अगर ह्यूमन रखें, तो ह्यूमन रखें पर्सन, पर्सन्स में, तो ह्यूमन के ग्रुप में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जैसे इसमें आ गया हमारा फैमिली आ गई, और इसमें आ गई ये क्लास जहाँ आप लोग बैठ के पढ़ते हैं, और इसमें आ गई टीम, टीम भी तो वही चीज है, और बढ़ेंगे असेंबली है, पार्लियामेंट है, आर्मी है, नेवी है, ये सब क्या है, पर्सन्स का ग्रुप। इसमें क्या होगा, जैसे फैमिली में एक परिवार के लोग होते हैं, क्लास में, अब उसमें सेम क्या होगा, क्लास, क्लास में लड़के लड़कियां हैं और उनकी खासियत क्या होगी, सब पढ़ने के लिए आए हैं। टीम क्या है, टीम में मान लो जितने भी मेंबर्स होंगे, 10 हो, 11 हो, 6 हो, 7 हो, जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें कॉमन क्या होगा, कॉमन यह है कि ऑल दोज आर प्लेयर्स, ठीक है। अब जैसे मान ले हमने कहा कि ऑडियंस, तो ऑडियंस क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो ऑडियंस कलेक्टिव नाउन क्या है, क्यों है ये कलेक्टिव नाउन, क्योंकि ये सब आए हैं कोई प्रोग्राम देखने या सुनने के लिए, तो ऑडियंस सबके सब लोगों में एक कॉमन चीज होगी, सब कुछ देखने या सुनने आए हैं। ऑडियंस हो गया, व्यूअर्स हो गया, स्पेक्टेटर्स हो गया, ये लोग हो गए, तो कलेक्टिव नाउन में। और आर्मी सबके सब क्या होंगे, सैनिक होंगे। पार्लियामेंट सबके सब क्या होंगे, सांसद होंगे या विधायक होंगे, ठीक है, ये सब लोग होंगे। कैबिनेट मंत्रिमंडल सबके सब लोग क्या होंगे, उसमें मंत्री बैठे होंगे। तो इसी तरह से पर्संस का कलेक्शन हो जाता है, और पर्सन्स के अलग अलग कलेक्शन को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे परिवार में ये फैमिली हो जाएगा कलेक्शन, पढ़ने वालों का कलेक्शन क्लास है, खेलने वालों का कलेक्शन टीम है, इस तरह वगैरह वगैरह। ऑर्केस्ट्रा,
ऑर्केस्ट्रा क्या होगा, ऑर्केस्ट्रा होता है गाना गाने वालों का, गाना बजाना ये सब करने वालों की एक टीम होती है, तो उसे ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे, पर्सन्स का कलेक्शन हो गया। ठीक है चलिए, तो पर्सन्स में ये ह्यूमन का हो गया, और कुछ एनिमल्स की बात कर ले रहे हैं। जैसे एनिमल्स में इनका जो कलेक्शन होता है वो क्या होगा, एनिमल्स में जो कलेक्शन होता है, जैसे हमने कहा हर्ड, हर्ड क्या होगा, ये जानवरों का झुंड है। फ्लॉक क्या है, फ्लॉक ये चिड़ियों का झुंड है। तो इस तरह से हर्ड हो गया, फ्लॉक हो गया, और भी मतलब बेबी है, और ट्रूप है, बंदरों का झुंड होता है, कंपनी है। तो इस तरह से तमाम कलेक्टिव नाउन होते हैं जो झुंड में आते हैं। अच्छा, एनिमल्स ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, और इसमें हम बात कर रहे हैं थिंग्स की। अच्छा, ये जो एनिमल के कलेक्शन है, इससे कई कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है नाउन में। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खरगोशों के झुंड को क्या कहते हैं, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि कारों का काफिला, जैसे कारों का काफिला है, तो कारों के काफिले को क्या कहते हैं, फ्लीट कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन पर कई सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक लिस्ट आपको दे दूँ, कलेक्टिव नाउन्स की एक लिस्ट पूरी जारी कर देते हैं। तो ठीक है, आज या कल में कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट जो है वो जारी कर देंगे, अटैच कर दिया जाएगा। आप लोग ग्रुप से या चैनल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, या पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो कलेक्टिव एक आपका मतलब उधार रहा मेरे ऊपर, कलेक्टिव नाउन्स की लिस्ट देनी है। ठीक है, तो थिंग्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं। जैसे कुछ थिंग्स का कलेक्शन ले लें, मान लीजिए हम ले लेते हैं फ्लावर, तो फ्लावर के कलेक्शन को क्या कहोगे। फ्लावर का कलेक्शन हो सकता है बुके, BOUQUEET। तो ये स्पेलिंग होती है बुके की, बोलते हैं बुके, और स्पेलिंग ये है। SSC में कई बार इसकी स्पेलिंग पूछी भी गई है। तो कलेक्टिव नाउन में अब थिंग्स में फ्लावर्स का एक कलेक्शन हो गया बुके, और एक कलेक्शन इसी का बुके का ही का दूसरा रूप होता है गार्लैंड, फूलों की माला होती है। तो फूलों की माला क्या होगी, एक धागा होगा गोल सा बड़ा सा, तो धागे में बहुत सारे हजारों सैकड़ों फूल एक में नृत्य किए होंगे, तो वो गार्लैंड हो जाती है, माला हो जाएगी। अच्छा, चाबियों का गुच्छा हो गया, तो मान लीजिए कीज है, कीज का कलेक्शन क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है बंच। और ग्रेप्स के भी कलेक्शन को, ग्रेप्स हैं तो ग्रेप्स के कलेक्शन को भी बंच कहते हैं। तो इस तरह से तमाम चीजें हैं, जैसे चाबियों का एक इकट्ठा करके रख दिया जाता है तो वो गुच्छा कहा जाता है, फूलों का फूलों की माला होती है या बुके होता है। अच्छा, फलों की क्या कही जाती है, बास्केट ऑफ फ्लावर्स होता है। तो ये सब चीजें कलेक्टिव नाउन में आ गई, आप समझ गए होंगे उम्मीद है। और इस कलेक्टिव नाउन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक बार, जैसे मान लो कोई मछली मारने गया है, तो मछली मारते समय जाल में एक बार में जितनी मछलियां फंस जाती हैं, अब एक बार में मान लो 5 मछली फंसी, 10 मछली फंसी, 50 मछली फंसी, एक बार में जितनी मछलियां फंस जाती हैं उनको कलेक्टिवली क्या नाम दिया जाता है, तो उसे कहा जाता है कैच, CATCH। ये वर्ब वाला कैच नहीं, ये उसको कैच, एक बार में जितनी मछलियां पकड़ ली गई। ऐसे ही होता है LITER, लीटर। तो लीटर क्या होता है, जैसे कुछ जानवर होते हैं जो एक बार में एक से अधिक बच्चों को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गई, पिग है, सुअर है, तो एक बार में ये लोग 5-6 बच्चों को जन्म देते हैं। तो एक बार में जितने भी बच्चों को ये जन्म देते हैं उन सारे को एक साथ में कहा जाता है लिटर। तो इस तरह के कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये जो क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं इस पे हम लोगों को खास ध्यान रखना है। तो ये कभी कभी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी काम बन जाएगा और कलेक्टिव नाउन में भी काम बन जाएगा, अगर ये लिस्ट अभी जारी कर दी जाती है तो। वन वर्ड का भी काम हो गया और कलेक्टिव नाउन का भी यही काम हो गया। तो ठीक है, मैं कल ही ये अटैचमेंट इसके साथ अटैच कर देता हूँ, फिर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, आपको नोटिस दे दी जाएगी। ठीक है, हाँ। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लगे हाथ प्लेसेस का भी दे दिया जाए, क्योंकि प्लेसेस का भी अगर दे दिया जाता है तो ठीक होता, लेकिन एक साथ दो दो लिस्ट देना ठीक नहीं रहेगा। प्लेसेज में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कभी कभी का जहाँ सिक्के ढाले जाते हैं उसे क्या कहा जाता है, मिंट होता है, और जहाँ पर शराब बनाई जाती है वो क्या कहा जाता है, डिस्टिलरी कहते हैं उसको, ब्रेवरी भी कहते हैं, जहाँ बियर होती,
बनाई जाती है, ब्रिवरी, डिस्टिलरी। तो ऐसे ही प्लेसेस को कहा जाता है, कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार कि क्या नाम है इस तरह के प्लेस का। तो प्लेसेस का और कलेक्टिव नाउन की दो की लिस्ट आपकी मेरे ऊपर उधार है, जल्दी ही हम ये उधार चुकता कर देंगे, क्योंकि हम अपने ऊपर उधार उधार रखते उठते नहीं हैं। तो नाउन में हम लोगों ने दो पढ़ लिया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन हो गया। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल नाउन, मटेरियल किसे कहते हैं बताइए? मटेरियल कहते हैं किसी पदार्थ को। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ वो चीज है जो किसी के निर्माण में काम आता है, ठीक है? पदार्थ कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी वस्तु के निर्माण में काम आएगा, तभी पदार्थ कहा जाएगा। जब वो निर्माणकारी होगा, वो किसी चीज का निर्माण करेगा। तो मटेरियल का मतलब क्या हुआ? मटेरियल इज सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक समथिंग एल्स, कुछ और चीज बनाने के काम आता है। तो ये मटेरियल नाउन की, अब मान लो डेफिनेशन लिखनी हुई तो क्या करेंगे? डेफिनेशन लिखनी हुई तो कहेंगे कि मटेरियल नाउन वो नाउन है जिससे, उस वस्तु का नाम है जिससे किसी और वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो मटेरियल नाउन इज नेम ऑफ अ सब्सटेंस विच इज यूज टू मेक या कंस्ट्रक्ट एनदर थिंग। तो देखिए, हम लोग सबसे पहले कहाँ शुरू हो जाते हैं? कोई ऐसी जगह से उदाहरण लेते हैं जहां से हम सबके, सब लोग अच्छी तरह परिचित हैं, वाकिफ हैं। चलिए हम लोग थोड़ी देर के लिए कहाँ चलते हैं? किचन में, ठीक है? लेट्स गो टू किचन एंड प्रिपेयर समथिंग, इमेजिनरी, वर्चुअली नहीं। आपका कॉपी किताब रख के चल दिए किचन में, बैठे रहिए चुपचाप। तो मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन में चलिए, किचन में क्या क्या होता है मटेरियल जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं? तो मिल्क से क्या बनाएंगे? चाय। शुगर है तो चीनी से क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, वगैरह वगैरह। फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, आटा। आटे से क्या बनाते हैं? हम रोटी वोटी बनाते हैं। तो ये सब चीजें, फ्लोर क्या हो गया? ये निर्माण में काम आता है, ये मटेरियल हो गया। चलिए किचन से निकलिए जल्दी, किचन से जल्दी निकलिए और हम लोग चलते हैं किसी फैक्ट्री में, कारखाने में। कॉटन, कॉटन से क्या बनाया जाता है? कपड़े बनाए जाते हैं। चलिए आयरन से क्या बनाया जाता है? आयरन से खिड़की बनाई जाती है, दरवाजे बनाए जाते हैं, कुर्सी बनाई जाती है और तमाम चीजें, रेल वगैरह, ट्रेन वगैरह, बस वगैरह, ये सब बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से क्या बनाया जाता है? प्लास्टिक से ये देखिए, मार्कर जिससे लिख रहे हैं वो भी प्लास्टिक का है। अब कुर्सी में प्लास्टिक की होती है, मेज, तमाम प्लास्टिक तो बहुत सी चीज होती है ना, थैलियां वैलियां सब। अच्छा, थोड़ी सी और बहुमूल्य चीजों में आते हैं, गोल्ड। बहुत से लोगों के गले में, अंगूठी में होगा, तो गोल्ड से क्या बनाया जाता है? गोल्ड से बनाया जाता है गहने वहने बनाए जाते हैं, और कुर्सी थोड़े ना बनाई जाएगी। तो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया। तो ये सब क्या है? ये सब मटेरियल है जिनसे किसी ना किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इसमें मेटल, नॉन मेटल दोनों है। अब जैसे बताइए भैया, मिल्क, शुगर और फ्लोर, आटा, ये सब मेटल है? कोई नहीं, ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। कॉटन नॉन मेटल है। यहाँ देखिए, आयरन क्या हो गया? ये मेटल हो गया। गोल्ड क्या है? मेटल है। सिल्वर क्या है? मेटल है। तो जो मटेरियल होता है वो मेटल, नॉन मेटल दोनों हो सकता है, कुछ मेटेलिक होंगे, कुछ नॉन मेटेलिक होंगे, ठीक है? लेकिन ये सब, इनमें कॉमन बात क्या है? देखिए, गोल्ड में और सिल्वर में और आयरन में और प्लास्टिक में और आटे में, अब बताइए सिल्वर में और आटे में क्या समानता क्या है? आटे से भी कुछ बनाया जाता है, रोटी बनाई जाती है, और सिल्वर से भी कुछ बनाया जाता है, क्या बनाया जाता है? गहने बनाए जाते हैं। तो ये जो, ये वो चीजें हैं जिससे हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, इसीलिए इनको हम मटेरियल कहते हैं, ठीक है? तो मटेरियल नाउन अब आप समझ गए होंगे आई थिंक। और इसके अलावा कुछ एक चीज, बातें और हमें करनी है। जैसे हमने कहा स्टोन, स्टोन क्या हो गया? पत्थर। जैसे हमने कहा ब्रिक, ब्रिक मतलब क्या हुआ? ईंट। तो ये भी मटेरियल में आएंगे। सैंड मैंने क्या कहा? ये हो गया बालू, रेत। सीमेंट क्या है? ये भी तो एक मटेरियल है, क्या होता है? ये सब चीजें, स्टोन है, ब्रिक है, सैंड है, सीमेंट है, ये सब भवन निर्माण के, घर वगैरह के निर्माण के काम में आते हैं, आर्किटेक्ट में काम आते हैं, ठीक है? तो मुझे समझ में आ रहा है, मुझे लग रहा है कि आपने ये चीजें समझ ली होंगी। अब इनके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ी बात है, बहुत जरूरी चीज है हमें बतानी थी, स्टोन, ब्रिक, सैंड और सीमेंट। ग्रामर का पॉइंट है, यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट। चलिए,
तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, तो हम वो क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। जैसे लिखा हो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक्स, ये घर ईंट का बना हुआ है। तो अब आप समझ रहे होंगे ना कि कोई घर एक ईंट से तो बन नहीं जाएगा, घर को बनने में लाखों ईंटें लगती हैं। तो लाखों ईंटें लगती हैं, तो लिखा हुआ है कि ये घर ईंटों का बना हुआ है। इस सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक क्या है? तो ये जो मेड ऑफ ब्रिक्स लिखा है ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ब्रिक्स नहीं हो सकता, दैट शुड बी ब्रिक, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक, ये घर ईंट का बना है। अब आप पूछेंगे तो एक ईंट से बन जाएगा क्या घर? नहीं, एक ईंट से नहीं बनेगा, लाखों ईंटें लगेंगी। लेकिन यहाँ ब्रिक्स इस शब्द का प्रयोग आपने किस रूप में किया है? इस रूप में किया है, आप इसको मटेरियल के रूप में किए हैं। जब हम किसी वस्तु का प्रयोग सेंटेंस में मटेरियल के निर्माण की सामग्री के रूप में करेंगे, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रूप में प्रयोग करेंगे, तो दैट कैन नॉट बी प्लूरल, तो वो प्लूरल नहीं हो सकता। किसी वस्तु का प्रयोग सेंटेंस में अगर निर्माण कार्य के लिए, निर्माण की सामग्री के लिए करेंगे, तो वो नाउन प्लूरल नहीं होगा। ये घर ईंट का बना है, ईंटों का नहीं। जैसे हम कहें, मान लो ब्रिक का ब्रिक्स हो सकता है, जैसे हम ये कहें आ फ्यू ब्रिक वर लाइंग, अब ऐसे ट्रेन की टेढ़ा कर देते हैं, लाइंग इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड, हमने ये ग्राउंड क्या लिखा है, ये प्लेग्राउंड होगा, क्योंकि ऑन द ग्राउंड लिख देते, जमीन पर पड़ा है तो ऑन द ग्राउंड लिख देते, प्लेग्राउंड होगा तो इन द ग्राउंड, या चलो ऑन द ग्राउंड ही लिख देते हैं, अब कहीं भी हो गया। अब ये प्लेग्राउंड नहीं हुआ, अब ये हो गया जमीन पर कहीं भी। चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि जमीन पर कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, तो जब जमीन पर कुछ ईंटें पड़ी हुई थी, तो यहां जो ईंटें प्रयोग किया गया है, ये शब्द देखिए, इस ब्रिक में और इस ब्रिक में क्या अंतर था? ये ब्रिक क्या है? निर्माण सामग्री ही कह रहे हैं कि ये घर ईंट का बना हुआ है, तो ये ब्रिक है एक निर्माण सामग्री, तो इसलिए ये ब्रिक्स प्लूरल नहीं हो सकता। यहाँ लिखा है कुछ ईंटें जमीन पर पड़ी थी, कुछ ईंटें जमीन पर पड़ी थी, तो यहाँ ये निर्माण सामग्री के रूप में नहीं है, तो यहाँ फ्यू के साथ हम ब्रिक्स का प्रयोग करेंगे। तो ये जो मटेरियल नाउन है ये रिस्की है, इस पे आप ध्यान रखिएगा, अगर वस्तु निर्माण वस्तु के रूप में प्रयोग किया जाएगा तो प्लूरल नहीं हो गया, और दूसरे सेंस में प्रयोग करते हैं तो आप प्लूरल हो सकता है, प्लूरल कर सकते हैं। इसी तरह से एक क्वेश्चन था स्टोन का, मान लीजिए ये कहा जाता कि कोई दीवार है, कोई पार्टिकुलर, तो हम ये लिखें कि द वॉल इज, द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन्स, तो बताइए कि क्या यह सही होगा? नहीं सही होगा। मतलब क्या हुआ? स्टोन्स निर्माण सामग्री है, दीवार को बनाने की सामग्री है स्टोन्स, तो ये निर्माण सामग्री है, तो ये स्टोन्स नहीं हो सकता, यहाँ पे क्या लगाना चाहिए था? स्टोन। इस तरह की एरर्स पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। अब आप ध्यान रखिएगा, मटेरियल नाउन से इस तरह की गलती होनी है। ठीक, आई थिंक आपको मटेरियल नाउन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जिसको हम लोग कल बहुत कायदे से डिस्कस कर चुके हैं। मटेरियल नाउन हो गया, अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में क्या चीजें आती हैं? कुछ इमोशंस, इमोशंस या मूड होंगे, कुछ क्वालिटीज होंगी और कुछ, या मैं सोच रहा हूं कि इस चीज को कल, देखिए क्लास काफी लंबी हो जाएगी, हमें इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो
इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए और अच्छे से इसको समझाना है, तो मुझे लगता है कि मैं केवल इसी को पढ़ाने में 20 मिनट के करीब लगेंगे। और कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इसी में, एडजेक्टिव का और नाउन का डिफरेंस होगा, और इसी में वर्ब का और नाउन का डिफरेंस होगा, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ हमें जल्दबाजी में नहीं पढ़ानी चाहिए। और अभी मैं ख़त्म करूँगा तो चूंकि काफ़ी देर से पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगी, और मुझे नहीं लगता कि जल्दी करनी चाहिए। धीरे से, इत्मीनान से, आराम से पढ़ो और चीज़ों को समझते हुए चलो। और नहीं तो ऐसे ही अगर नाउन के प्रकार पढ़ाना होता तो 5 मिनट में नाउन के प्रकार पढ़ाए जा सकते हैं। मैं जानता हूँ आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कभी कभी कुछ लोग 5 मिनट में नाउन के प्रकार पढ़ा देते हैं और उन्हें लगता है कि आखिर इसमें क्या रखा है नाउन के प्रकार में। 5 नाम गिना दिए, उसकी हिंदी बता दी, एक एक उदाहरण बता दिए, हो गया काम। तो लेकिन तब ये बात ना आती कि ब्रिक होगा कि ब्रिक्स होगा। तो धीरे धीरे पढ़ाने का, इत्मीनान से पढ़ाने का यही फायदा होता है, तब ये बता दिया जाता है कि हाँ मेड ऑफ ब्रिक होगा कि मेड ऑफ ब्रिक्स होगा। आप समझ रहे हैं ना धीरे धीरे पढ़ाने का क्या मतलब होता है। तो अब धीरे धीरे पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, अच्छे से पढ़ना है तो आप ना हमें जल्दबाजी करने दीजिए ना आप खुद जल्दबाजी करिए, ठीक है। एक दिन और लग जाएगा नाउन में तो कोई हर्ज नहीं हो जाएगा, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। तो मुझे मेरे ढंग से इत्मीनान से पढ़ाने दीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म कर देते हैं, कल आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ा देंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बाद कुछ और चीज़ें आएंगी तो वो भी आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे कल किसी और चीज़ के साथ, और यही एब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ाएंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, कुशल रहिए, घर पे रहिए। थैंक यू वेरी मच।